यस फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विद द सेम डिस्कशन वेर आई लेफ्ट द थ्रेड. आई वुड लाइक टू कंटिन्यू प्लीज फ्रॉम देयर. मुझे आपके सामने एक नया ट्रांजेक्शन रखना है, कंटिन्यूएशन जो लास्ट टाइम नंबर 5 था उसके आगे. मैं ये अभी का लेक्चर चालू कर रहा हूं. नंबर 6, ऑफकोर्स ट्रेड डिस्काउंट मैं आपके सामने रखता हूं और एक पॉइंट ऐड करता हूं, वो है कैरेज. जरा सुनिएगा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर दीप वर्थ रुपीस 50,000 एट द रेट ऑफ. जरा अभी आड़ा तेड़ा लेने का चालू करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा. 12% ट्रेड डिस्काउंट सोल गुड्स टू दीप, 12% ट्रेड डिस्काउंट 50,000 एंड कैरेज चार्जेस. एंड कैरेज चार्जेस पेड on his behalf rupees 1,000. सुन रहा है बच्चा? सोल गुड्स टू दीप, लिखते जा मेरे साथ. 6th ट्रांजेक्शन TD है और एक पॉइंट और एड किया है और वो है कैरेज चार्जेस खास सूचना ऑन हिज बिहाफ. मतलब ये कैरेज का खर्चा बेटा हमारा नहीं है. दीप हमारा एक जूना कस्टमर है, अच्छा रिलेशन है, तो 50,000 का उसने ऑर्डर वगैरह दिया था, हमने बोला भेजता हूँ, तो उसने बोला ये कैरेज में भी डाल दो, जो भी होगा वो कैरेज का पैसा भी हम आपको बाद में दे देगा. देखो, कैरेज का खर्चा भी वो हमको बाद में दे देगा. पॉइंट टू बी नोटेड, ये कैरेज का खर्चा उसका है, हमारा नहीं. हम अपने जेब से 1,000 रुपया चुका रहा हूँ तो मेरे जेब से पैसा गया, हाँ, कैश गोज आउट, हाँ. 1,000 कैश गोज आउट, हाँ. 1,000 बोले तो कैश ट्रांजेक्शन, हाँ. लेकिन जो गुड्स बेचा है ना दीप को, दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो जरा हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जरा आप देख लीजिए. पहले तो मैं वर्किंग कर लूँ, थोड़ी आंकड़े की बात भी आपके सामने रख लूँ. दीप को हमने गुड्स बेचा है 50,000 का, दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन. उसने पैसा चेक वगैरह कुछ नहीं दिया. हो सकता है वो बाबूजी पुणे नासिक जहाँ भी है, बोला कि ट्रांसपोर्ट में गुड्स डला दो, मैंने पैसा भी दे दिया वो ट्रांसपोर्ट का कैरेज का, जो पैसा भी मैं उससे वसूलूंगा, मतलब गुड्स का पैसा भी उससे अपने को लेना है और ये कैरेज का 1,000 रुपया भी अपने को उससे वसूलना है, लेना है. मतलब दीप बिकम अवर डेटर फॉर टू थिंग्स, वन फॉर गुड्स एंड सेकंड फॉर कैरेज चार्जेस 1,000 वी पेड ऑन हिज बिहाफ. समझा? दीप बिकम्स अवर डेटर. ये कैरेज हमारा खर्चा नहीं है, तो तू ये 1,000 रुपये के लिए कैरेज अकाउंट डेबिट, अपना एक्सपेंस डेबिट ऐसा मत बोलना. उसकी जगह पे अपने को दीप को ही डेबिट करना है. दीप हमारा डेटर बन रहा है बच्चा. चाहिए तो इसकी 2 एंट्री पास कर, अलग अलग ट्रांजेक्शन है, सेल का एक, कैरेज का दूसरा. ठीक है, मैं पहले 2 एंट्री पास करके शांति से बात करूँगा, कंबाइन करके ऑन द स्पॉट खड़ा रह जाऊँगा विद इन अ मिनट.
मगर ये दो ट्रांजेक्शन है, हाँ दोनों रिलेटिंग टू गुड्स है, दोनों रिलेटिंग टू दीप है, अपन ही कर रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन दीप को गुड्स बेचा वो क्रेडिट है, और दीप के लिए कैरेज चार्जेस पेड किया, कैश गोज आउट, वो कैश ट्रांजेक्शन है। लेट मी स्टार्ट माई वर्क प्लीज, वर्किंग पहले मेरे साथ करिए बच्चा। 50,000 का गुड्स है, सो व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस, प्लीज सी 50,000। बेटा ट्रेड डिस्काउंट तो के 12%। अब 12% के डायरेक्ट ढूंढने की तेरी इच्छा है तो ऐसा भी कर सकता है, एकदम अपना ओरिजिनल मेथड, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, है ना, आराम से 20 उड़ गया, 12 5 60, समझा, तो अमाउंट बन गया 6,000। तो कोई भी स्टाइल से कर, 10% + 2%, 10% + 2%, यू विल गेट द सेम आंसर 6,000। एंड हियर इज द नेट प्राइस, नेट मीन्स गुड्स, एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट 44,000। बेटा यहां अपना ये गुड्स का ट्रांजेक्शन एक खत्म, कैरेज 1,000 रुपया उसके लिए अपन ने चुकाया वो दूसरी बात है, ठीक है, हमने पैसा चुकाया कैरेज का, जरा देख ले अंडरलाइन मैंने लाल लाल किया है, दैट इज अ सेकंड ट्रांजेक्शन प्लीज, ठीक है। चलिए उसके लिए कोई वर्किंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना समझदारी चाहिए, पैसा हमारे जेब से गया है कैरेज के लिए, मगर कैरेज हमारा खर्चा नहीं है, हमने ये पैसा ऑन बिहाफ ऑफ दीप पे किया है, तो ये पैसा हम दीप से लेंगे, दीप बिकम्स अवर डेटर। ये कैरेज का फायदा हमको नहीं मिल रहा है, कैरेज का फायदा दीप को मिल रहा है, और पैसा हमारी जेब से जा रहा है। ठीक है, चलिए अपन पहले एंट्री दो अलग अलग मैं पास करके बताऊंगा और फिर उसको कंबाइन करके सिखाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज सी फर्स्ट एंट्री फॉर सेल, चलिए एंट्री शुरू करिए, जर्नल ड्रॉ नहीं करना है, फॉर सेल दीप्स अकाउंट डेबिट, टू सेल अमाउंट 44,000। मैं सेपरेट एंट्री पास कर रहा हूं ना पहले, सेकंड एंट्री फॉर कैरेज, 1,000 रुपया अपने जेब से चुकाया बच्चा, एंट्री पैसा गया रे, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट 1,000 रुपीज, और ये पैसा अपने को दीप से लेना है, दीप्स अकाउंट डेबिटेड 1,000, He becomes our debtor. कोई भी कभी भी हमारा डेटर बनता है उसको डेबिट कर, पकड़ पकड़, Anybody becomes our debtor, do debit. और आगे क्या सुन ले, Anybody becomes our creditor, do credit. कोई debtor बने debit कर ले उसको, कोई creditor बने उसको credit कर रहे, debtor को debit कर, creditor को credit कर, lifetime नियम याद रख, बुक में नहीं मिलेगा ये सब नियम बच्चा, इधर से निकलता है। सुना, तो दीप बिकम अवर डेटर, दीप इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, इसको ऐसे बयान करना चाहिए, द इंटरप्रिटेशन एंड द एक्सप्लेनेशन
वाई डीप अकाउंट डेबिटेड? बिकॉज वेन वी आर पेइंग मनी फॉर कैरेज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस कैरेज इज रिसीव्ड बाई दीप, दीप इज द रिसीवर एंड देयरफॉर दीप अकाउंट डेबिट. डोंट से कैरेज अकाउंट डेबिट. कैरेज हमारा खर्चा नहीं है. यदि कैरेज हमारा खर्चा होता तो हम कैरेज अकाउंट डेबिट अवश्य लिखते. अवश्य लिखते. कैरेज इज नॉट अवर एक्सपेंस. डोंट टच कैरेज अकाउंट. रॉन्ग. अच्छा, ये दोनों को कंबाइन करना. देखना कैसा कंबाइन होता है. जहां भी डेबिट डेबिट सेम है तो उसको अपन कंबाइन कर सकते हैं. जरा देखना भैया, डेबिट डेबिट सेम है उसको अपन कंबाइन कर सकते हैं. जरा देखना, और थोड़ा इसको लपेट ले लेता हूँ. देखिए तो उसको हटा देगा रे, नहीं चलता है. देखिए दीप डेबिट, देखिए दीप डेबिट, दिख रहा है ना ठीक से. चलिए देखिए दीप डेबिट. चलिए बच्चा ये देखिए दीप डेबिट. तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं जी, कंबाइन एंट्री. ये दोनों की कंबाइन एंट्री देख ले रे, कुछ भी तो नहीं है. सिंपल दीप्स अकाउंट डेबिट. चल भाई, कंबाइन एंट्री दीप्स अकाउंट डेबिट देख तो. हाँ, 44+1 यानी 45,000. टू सेल्स अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट. सेल अकाउंट बोले तो 44,000 और कैश अकाउंट बोले तो 1,000. तो एंट्री डीप अकाउंट डेबिट, डीप अकाउंट डेबिट देख ले कंबाइन एंट्री बच्चा. डीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कैश. ओके, तो सेपरेट पास करो तो भी चलता है, कंबाइन ले ले अच्छी बात है. मगर ये कैरेज हमने उसके लिए चुकाया. ऐसा ही एक ट्रांजेक्शन उल्टा ले रहा हूं. प्लीज सी नाउ, इट वॉज 6 now 7. ये मैंने गुड्स सोल्ड किया था, अभी मैं परचेस कर रहा हूं. चल गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर राम वर्थ रुपीस 48,000 एंड ही पेड रुपीस 1,000 फॉर फ्रेट on our behalf, on our behalf. Suna, purchase from Ram. हमने राम से खरीदा. अभी मैंने यहां टीडी नहीं लिया है, जरा काम को आसान बनाने. सो इट इज परचेस. शब्द पेड है, सावधान. ही पेड, सावधान. ही पेड. मैंने पे नहीं किया है, मेरे लिए कैश ट्रांजेक्शन जरा भी नहीं है. अंदर पेड शब्द है, मगर जरा सोच, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पेड शब्द है ही नहीं. वो पेड शब्द मुझे लागू पड़ता ही नहीं है. सो डोंट कंसीडर 1,000 फ्रेट एज अ कैश ट्रांजेक्शन. ना बाबा ना, वो पेड उसने किया,
उसके जेब से पैसा गया, उसके बिजनेस में से पैसा गया, अपने बिजनेस के लिए ये कैश ट्रांजैक्शन जा रहा भी नहीं है जी, सावधान। शब्द पेड़ को देख के झाड़ पे मत चढ़ जाना, अरे पेड़ आ गया कैश ट्रांजैक्शन, जरा भी नहीं बच्चा। ये हमने कहाँ पे किया, हमारे जेब से कहाँ गया, हमारे बिजनेस में से कहाँ गया? इट इज पेड बाय मिस्टर राम, राम के बिजनेस में से पैसा गया, राम के लिए कैश ट्रांजैक्शन है। हाँ, हमारा उसका अच्छा रिलेशन है तो हमने उसको बोला भैया तू हमारा ये फ्रेट यानी भाड़ा चुका दे, बाद में हम तेरे को दे देंगे। मेरे लिए तो ये पक्का पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। राम से गुड्स खरीदा 48 का, उसने मेरे लिए 1000 रुपया फ्रेट का चुकाया, मतलब मुझे राम को 49,000 बाद में देना है रे। राम बिकम्स अवर क्रेडिटर, एनीबडी बिकम्स अवर क्रेडिटर, डू क्रेडिट, अभी मंत्र सिखाया ना थोड़ी देर पहले, एनीबडी बिकम्स अवर डेटर, डू डेबिट, एनीबडी बिकम्स अवर क्रेडिटर, डू क्रेडिट, डेटर को डेबिट कर, क्रेडिटर को क्रेडिट कर, ऐसा मजबूत बनने का बच्चा। चल भाई एंट्री ले, एंट्री ले, परचेस, परचेस इस अकाउंट डेबिट अमाउंट 48,000, गुड्स आया रे, खर्चा हुआ रे, और हाँ फ्रेट भी मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, फ्रेट अकाउंट डेबिट 1,000 एंड टू मिस्टर राम्स अकाउंट। प्लीज सी परचेस गुड्स 48, फ्रेट एक्सपेंस नॉमिनल डेबिट एंड राम बिकम्स अवर क्रेडिटर। दो एंट्री अलग भी पास करता था, अभी सीधा कंबाइन मार दिया, राम बिकम्स अवर क्रेडिटर, राम बिकम्स अवर क्रेडिटर, क्रेडिट द कीवर। तो देखो हम दूसरे के लिए पेमेंट करते हैं, वो पैसा उससे लेंगे, वो हमारा डेटर बनता है, उसका अकाउंट डेबिट, और कोई हमारे लिए पेमेंट करता है, ये पैसा हम उसको देंगे ना, उसको देंगे तो वो मेरा क्रेडिटर बनता है। तो ये था कैरेज का ट्रांजैक्शन आपके सामने, दोनों क्रेडिट ट्रांजैक्शन थे, परचेस के ऊपर भी और सेल के ऊपर भी, दोनों तरह से हमने देखा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर ले बच्चा, 7 इट वॉज, नेक्स्ट इज 8, जरा ध्यान देना। अभी मैं ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सब ले रहा हूँ, कैरेज भी ले रहा हूँ, जरा ध्यान देना। गुड सोल्ड टू मिस्टर लक्ष्मण वर्थ रुपीस 1 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन क्रेडिट। टर्म्स ऑफ ट्रेड टेन परसेंट TD एंड 10% CD इफ द पेमेंट विल बी मेड विदिन 10 days। देखो बेटा हमने भी उसको बोला कि कैश डिस्काउंट तेरे को मिलेगा, मगर कब मिलेगा, तू हमको 10 दिन के अंदर यदि पैसा चुका तो। एट प्रेजेंट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एट प्रेजेंट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। CD
उसको बोला है तू 10 दिन के अंदर पैसा दे दे, हम तेरे को देंगे ना डिस्काउंट। तो ठीक है, अब जरा सुनिएगा, इफ द पेमेंट विल बी मेड विद इन 10 डेज। अब जरा सुनिएगा आगे, मुझे ट्रांजेक्शन चालू है, बीच में मैं बातें कर रहा था। वी पेड ₹5,000 फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन हिज बिहाफ। वी पेड 5,000 फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन हिज बिहाफ। देखो वन सेकेंड, ऑन हिज बिहाफ मतलब ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारा खर्चा नहीं है बच्चा, सवाल ही नहीं, ये हमारा खर्चा है ही नहीं, ठीक है। वी पेड 5,000, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन ये जो लास्ट वाला मैंने ऐड किया ना ट्रांसपोर्ट चार्जेस, दैट पार्ट इज द कैश ट्रांजेक्शन बच्चा, क्योंकि वहां पेड शब्द है, जरा चेक कर। ऊपर का ट्रांजेक्शन जो सेल वाला है इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हमने उसको बोला है कि तू 10 दिन के अंदर पैसा दे दे, हम तेरे को कैश डिस्काउंट देंगे। और 5,000 जो ट्रांसपोर्ट का, वो मैंने अपने जेब से दिया, हमारा अच्छा रिलेशन है लक्ष्मण के साथ, वो बाद में पैसा दे देगा। चलिए हाँ, थोड़ा वर्किंग करना तो कर लीजिए। पहले तो ग्रॉस प्राइस 1 लाख, TD 10%, 10,000, 90,000 नेट प्राइस। नेट मीन्स यू नो गुड्स, नो एंट्री फॉर ग्रॉस प्राइस ट्रेड डिस्काउंट, एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट 90,000। तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन यू कैन से ए, और दूसरा ट्रांजेक्शन वो 5,000 वाला है जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमने उसके लिए चुकाया। चलिए कैश डिस्काउंट का कुछ भी नहीं आएगा, वो हमको पैसा कहाँ दे रहा है। यस आई एम पासिंग कंबाइंड एंट्री, मजा लीजिए एंट्री का। लक्ष्मण से मुझे कितना पैसा वसूलना होगा, यू नो 90,000 गुड्स का, 5,000 वो ट्रांसपोर्ट वाला, मतलब लक्ष्मण बिकम्स ओवर डेटर फॉर 95,000। 90 + 5 एंट्री चालू, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 95,000। जरा ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दे, ही बिकम्स अवर डेटर। है ना, उससे पैसा लेना है 95। चल भाई, टू सेल्स, कितना का सेल्स हुआ रहा है, 90 गुड्स गोज आउट एंड टू कैश, कैश ऑल्सो वी पेड, हमारे जेब से पैसा गया रे, 5,000 कैश गोज आउट। लक्ष्मण टू सेल टू कैश गुड्स, 90 का 5 मेरे जेब से गया, वो ट्रांसपोर्ट का बोला ना खर्चा, उसके बिहाफ में हमने किया ना, कल परसों जब भी वो पैसा देगा हम ले लेंगे। और हमने भी उसको बोला, ए लक्ष्मण बंदो, 10 दिन के अंदर यदि पैसा दिया तो हम तेरे को 10% ऑफ कैश डिस्काउंट देने वाले हैं। अब जरा सुनिए ये ट्रांजेक्शन नंबर 8 का, बाहुबली पार्ट 2। ये फर्स्ट लिख ले उधर, 8-1 और 8-2, जान मुझ के डेट नहीं दिया है तो ऐसा 1-2 करके। क्या बात है भाई, लक्ष्मण पेड मनी, विदिन कैश डिस्काउंट पीरियड, कैश डिस्काउंट टर्म,
दो चार दिन में पैसा लेके लक्ष्मण हाजिर हो गया। लीजिए। हम बोला लाइए, लेकिन बाबूजी, लक्ष्मण ने बोला पैसा तो दे रहा हूँ लेकिन डिस्काउंट दीजिए। बाबूजी हमारा डिस्काउंट कितना था जरा सोच लीजिए, सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ यहाँ से। ट्रांजेक्शन लिख ले पहले, लक्ष्मण पेड अमाउंट विद इन कैश डिस्काउंट टर्म, वो 10 दिन के अंदर आ गया, 2-4 दिन के अंदर ही पैसा लेके हाजिर है। हमको उससे 95,000 लेना था और हमने उसको वादा किया था 10% कैश डिस्काउंट। उधर देख, येल्लो येल्लो 10% उसको डिस्काउंट दे दे। दे दे सावधान, 10% डिस्काउंट उसको दे दे सावधान। क्या रे सावधान बाबूजी, उसको 10% डिस्काउंट देना है, मगर कौन से अमाउंट पे देगा? आंसर, ही इज माय डेटर फॉर 95,000। डिस्काउंट 95 पे नहीं मिलना है बच्चा, डिस्काउंट सिर्फ उसको गुड्स के अमाउंट पे मिलना है। अरे ट्रांसपोर्ट का पैसा मैंने मेरे जेब से दिया था, वो जो 5,000 दिया था उसके ऊपर थोड़ी मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, कॉमन सेंस की बात है। मैंने जो 5,000 दिया वही वो मुझे 5,000 5 का 5 पूरा लौटाएगा, 5 पे थोड़ी डिस्काउंट होगा यार, वो तो मैंने अपने जेब से दिया था। डिस्काउंट 10%, हाँ उसका हक बनता है, ओनली गुड्स अमाउंट। चल भाई थोड़ा मैं लिख रहा हूँ तेरे लिए सॉल्यूशन में, 10% कैश डिस्काउंट ओनली ऑन गुड्स अमाउंट एंड नॉट ऑन ट्रांसपोर्ट चार्जेस। सुना क्या? तो 10% कितना होगा जरा देखना, 10% सेल देखना, नेट प्राइस देखना, और आना 90,000 उसके ऊपर 10% दे दे। सुना? तो बाबूजी जो नेट प्राइस था, मतलब जो गुड्स का अमाउंट था, ओरली भी कर सकता है, अरे 90,000 10% उस पर देना। $9,000 इज द डिस्काउंट, यस कैश डिस्काउंट 9,000। मतलब ये जो गुड्स का अमाउंट था उसमें मुझे 81,000 हो चुकाएगा, प्लस वो मुझे ट्रांसपोर्ट का पैसा चुकाएगा, वो तो पूरा ही देगा 5,000। मतलब उसके पास से मुझे टोटल कैश रिसीव्ड बच्चा 81 + 5 = 86,000। ऑफ कोर्स उसको कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपके सामने है, देख लो। पूरे पे नहीं, 95,000 पे नहीं, ओरली भी तू कर सकता, 90 पे देने का 9,000 बात खलास। तो 95 में से 9 को माइनस कर दे, 86 कैश रिसीव्ड ओरली कर सकता है, तेरे में ताकत है तो, थोड़ा फास्ट है तो, बाकी वर्किंग कर, चले कर, लिख ले, मजा ले, थोड़ा थोड़ा चेंज करके देख तू, तेरे को भी लगेगा, दिमाग चलाना पड़ता है। चल भाई वर्किंग किया, चल एंट्री बना, हाँ एंट्री ले रे, पैसा आया रे, कैश अकाउंट डेबिट ले, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू कौन था रे ये? लक्ष्मण, एम आई राइट? इट वॉज लक्ष्मण, टू लक्ष्मण अकाउंट, लक्ष्मण 95,000 से अकाउंट सेटल हो गया, देख तू, मगर मेरे को पैसा कितना मिला है तो कि 86,000 और 9,000 हमने उसको डिस्काउंट दिया रे, एंट्री देख रे,
कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू लक्ष्मण। सुना मेन पॉइंट क्या था? कैश डिस्काउंट गुड्स के अमाउंट पे मिलता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ऊपर थोड़ी मैं उसको डिस्काउंट देगा। 10% उसको बोला था ना कि तू इतने समय के अंदर मुझे पैसा दे दा, मैं तेरे को 10%। और वो आ गया, हाजिर हो गया पैसा लेके 2 दिन में। तो गुड्स के अमाउंट के ऊपर उसको मैंने 10% डिस्काउंट और देना है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के अमाउंट पे नहीं देना है। थोड़ा सोच, जो TD CD वो गुड्स पे होता है जी, ट्रांसपोर्ट, वो तो मैंने अपने जेब से ट्रांसपोर्ट वाले को पूरा पैसा दिया, तो मैं क्या करेगा, उस पर थोड़ी डिस्काउंट देगा। वो तो मैंने जो दिया था वही मुझे वापस मिल रहा है, उसमें मेरे को कोई कमाई नहीं हो रही है। वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 पे, वो तो क्या हमारा रिलेशन है, तो हमने एक बार उसका काम किया, अपने जेब से पैसा दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का हिसाब किताब आपके सामने मैंने रखा विथ TD CD एक्सेट्रा, और ऐसा ही एक ट्रांजेक्शन मैं GST का लेने जा रहा हूं। सुना, चलिए, इट वॉज 8 एंड नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9, चलिए, गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर सचिन वर्थ ₹1,00,000, टर्म्स 10% TD, 5% CD and GST at the rate of 18%. GST at the rate of 18%. We paid check. We paid check. Means मैंने इसको cash transaction बना दिया। गुड्स खरीदा, TD भी है, CD भी है, कैश ट्रांजेक्शन भी है, ऑन द स्पॉट पेड है, तो मेरे को कैश डिस्काउंट मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मगर बात वास्तव में ये बात सुन लेना, कैश डिस्काउंट अवश्य मिलेगा, लेकिन बाबूजी GST के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का पेमेंट है। जैसे ऊपर मैंने तेरे को जानबूझ के खोपड़ी में वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बात ये करनी थी, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ऊपर से इसको मैं लेके आया। GST के अमाउंट के ऊपर कोई डिस्काउंट का सवाल नहीं आता है। चलिए वर्किंग करके आपके सामने पेश करता हूं पूरी बातें। सॉल्यूशन शुरू। चलो, ग्रॉस प्राइस 1,00,000, TD 10%, 90,000 नेट प्राइस, बेटा याद रखना GST नेट प्राइस पे ही लगने वाला है। सुना, तो जरा समझ लेना GST का हिसाब कितना है। GST तो के 18%, मतलब आप जानते हो ये GST की CGST 9%, SGST 9%,
ठीक है ना बेटा, हो गया ना 18%, तो 90,000 पे 9% ले ले, 8,100, 8,100 ठीक है। इट इज 18%, समझा? इसको ऐड कर डाल, तो अपना बिल बनेगा 1,06,100 का। बिल ऐसे बनता है, नेट प्राइस था तो बिल बनेगा गुड्स का, नेट अमाउंट पेबल फॉर गुड्स इंक्लूडिंग GST 1,06,100। अब जरा ध्यान देना, हम उसको ताबड़तोब चेक पे कर रहे हैं, बोला ना चेक पेड अभी कर रहा हूं, तो सीधी बात है मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा 5% ऑन नेट प्राइस ओनली, दैट इज ऑन गुड्स अमाउंट। मतलब डिस्काउंट तुझे GST पे नहीं मिलेगा, तो ये 5% किस पे मिलेगा बच्चा, कोई मुझे पूछे तो, के 5% ऑन 90,000, 90,000 पे तुझे बेटा 5% मिल रहा है, कितना आएगा जरा देख ले, ऑन 90,000 इट इज 5%, देख रहे क्या, तो 4,500। दिस इज व्हाट चेक पेड, ये मुझे माइनस करना है, ये मुझे प्लस करना था, देख ले कैश डिस्काउंट गुड्स पे मिला है 4,500 पे सिर्फ, GST के अमाउंट के ऊपर नहीं बच्चा, चेक पेड 1,01,600 कैसा आया देख ले, 1,00,000 का गुड्स था, वर्किंग कॉस्ट बराबर समझ, TD 10%, 10,000 नेट प्राइस, नेट मींस गुड्स, नो एंट्री फॉर ग्रोस, नो एंट्री फॉर TD, एंट्री स्टार्ट विथ हियर, ये दोनों का एंट्री आएगा यस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, डेबिट, डिस्काउंट मिल रहा है वो खाली गुड्स वाले अमाउंट पर डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा है 5% ऑन 90,000, और इतने का चेक गया बच्चा 1,01,600। कैलकुलेशन को जरा खोपड़ी में शांति से उतार, क्योंकि ये 5% वाला जो डिस्काउंट वाला पॉइंट है ना कैश डिस्काउंट का, अपना दिमाग बोलता है टोटल पे ले लो, मतलब GST गवर्नमेंट पे अमाउंट के ऊपर थोड़ी डिस्काउंट, गवर्नमेंट का जो लेती देती है वो अलग होता है जी, उसका पूरा हिसाब किताब, उसका कैलकुलेशन अलग ही है, चाहे वो इनपुट होवे CGST SGST, चाहे आउटपुट होवे CGST SGST। तो ये रहा वर्किंग, हमने बच्चा परचेस किया था गुड्स, देख सचिन से परचेसेस डेबिट, चेक पे किया बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट हमको मिलता है, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर, बैंक क्रेडिट डिस्काउंट ऑल्सो क्रेडिट, परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एंट्री तो फिट है, और बीच में वो CGST SGST घुसेर दे, इनपुट इनपुट इनपुट, समझा क्या, एंट्री का क्या माहौल बना, परचेज डेबिट,
इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी, दोनों डेबिट, तीन डेबिट हो गए, टू बैंक एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दो क्रेडिट हो गए। जा रहा है बेटा, समझ रहा है? परचेस डेबिट, लिख के दिखाऊं क्या थोड़ा कलर में? नेट मीन्स गुड्स परचेस डेबिट, ये इनपुट सी जी एस टी डेबिट, इनपुट एस जी एस टी डेबिट। बच्चा कैश डिस्काउंट मेरे को रिसीव हुआ है, इसको क्रेडिट कर, चेक पे किया है इसको भी क्रेडिट कर। तीन डेबिट के सामने दो क्रेडिट है, चल ना एंट्री लिख देता हूँ ना, शर्म क्यों रे, आ जा। परचेसेस डेबिट, मेरे साथ एंट्री लिखे, अपन ने गुड्स परचेस किया है, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, सचिन का नाम नहीं आएगा। परचेसेस अकाउंट डेबिट, नेट बेटा देख ले 90,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट 8,100, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट 8,100, टू बैंक अकाउंट, चेक कितने का था बेटा? 1,01,600 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,000, ये अमाउंट के लिए जरा मुझे बोलना है, थोड़ा थोड़ा इधर देख, इधर देख, ये दो है बेटा, हो जाता है कभी कभी, घबराने का नहीं, होता है। और चेक का अमाउंट भी चेंज कर रहा हूँ, इट इज 1,01,700 बेटा, जरा देखना तो अमाउंट 1,01,700 और डिस्काउंट रिसीव्ड वही है 4,500, उसमें कैलकुलेशन में वो 100 रुपया जो कम था मैंने बढ़ा दिया, एक और एक दो था उधर, मैंने एक लिख दिया था 1,06,100, इट इज़ एक्चुअली यू कैन सी 200। तो बेटा जरा देख ले, कभी होता है तो नथिंग रॉन्ग, और कोई इंटेंशन अपना ऐसा नहीं होता, वो एक्सप्लेनेशन में क्या हमारा ध्यान ज़्यादा होता है, ठीक है। सो टोटल इट इज़ 1,06,200, वो था जी एस टी को मिला के अमाउंट गुड्स का 90,000 प्लस 8,181, सो 1,06,200, और फिर 5% कैश डिस्काउंट 90,000 पे माइनस किया 4,500, तो 1,01,700, दिस इज व्हाट द चेक पेड। एंट्री परचेस डेबिट, इनपुट सी जी एस टी डेबिट, इनपुट एस जी एस टी डेबिट, अमाउंट ऊपर से उठाया रहे 90,000, 8,100, 8,100, टू बैंक चेक पेड किया 1,01,700 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4,500, दिख रहा है क्या बाबूजी? इट इज 8,100, आहा हा, आहा हा।
इनपुट सी जी एस टी 81, इनपुट एस जी एस टी 8100। जरा देख ले भाया, हाँ ये इंक भी कभी कभी स्प्रेड नहीं होता ठीक से, तो सो दिस इज व्हाट जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कॉम्बो दिख रहा है क्या? कॉम्बो इसमें बहुत समझदारी आ गई है, कैश डिस्काउंट जीएसटी पे नहीं होगा, खोपड़ी पे मार ले, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का हिसाब किताब है ना। कैश डिस्काउंट हम आपस में समझते हैं कि भाई कोई जल्दी पेमेंट दे देवे तो, बाकी गवर्नमेंट का हिसाब तो गवर्नमेंट जैसे चला रहा है वैसे ही चलता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। इज इट क्लियर? तो बच्चा ये भी थियरी का ही एक कार्यक्रम था, मुझे डिस्काउंट बताना था, जीएसटी बताना था, दोनों एक साथ बताना था, जो मैंने बता दिया। पूरा लेक्चर एक बार दोबारा देख, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं किया, बड़े आराम से कैलकुलेशन स्टेप्स एंट्री डेबिट क्रेडिट बड़े आराम से। दूसरी बार देखना जरूरी है, जहाँ भी डाउट लगे मुझे व्हाट्सअप वगैरह करना, मैं ताबड़तोब तेरे सामने आ जाऊँगा। ये कोई अमाउंट का ऐसा प्लस माइनस में वो कोई गलती नहीं होता है, प्लीज़ थोड़ा प्रिंसिपली जिसको बोलते हैं ना, कैसे समझना है, हजम कैसे करना है खाने के बाद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ रुकता हूँ, अगला लेक्चर में हम वापस टेक्स्ट बुक पर आ जाएंगे। थैंक यू।